हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल दिलीप टेलर्स एंड बुटीक। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में देखेंगे एक नए और अनोखे तरीके से डोरी पाइपिंग बनाने के लिए। डोरी पाइपिंग जो है लगातार लोगों की समस्या बनी हुई है, बहुत से लोगों के कमेंट्स मुझे देखने को मिलते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं डोरी पाइपिंग को और एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर देखिए, ये एक रस्सी है डोरी जिससे हमें पाइपिंग बनाना है, और बैक साइड का पार्ट भी हमने यहाँ पर कटिंग कर लिया है मटके गले के शेप में। तो यहाँ पर देखते हैं पहले पाइपिंग को कटिंग करने के लिए। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें फ्रेंड्स कि जब भी पाइपिंग की हम कटिंग करेंगे तो उरेब कपड़े पर पाइपिंग को काटा जाता है। जिस कपड़े में तनाव हो, जिस हिस्से पर, उसको हम उरेब बोलते हैं। उरेब के लिए मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया है पहले भी, तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को उरेब कपड़ा मालूम होगा। नहीं मालूम है तो नीचे कमेंट करके बताइए। उरेब कपड़े के बारे में मैं एक वीडियो डिटेल में बना दूंगा। यहाँ पर देखिए, 1 से 1.25 इंच के बीच यहाँ पर कटिंग करना है हमें। 1 इंच वैसे नॉर्मली चल जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो 1.25 इंच का पट्टी काट सकते हैं। तो जितना लंबा आपको पाइपिंग बनाना है उस हिसाब से यहाँ पर कपड़े की कटिंग कर लें। ये छोटा सा पीस है, और आमतौर पर जब भी हम ब्लाउज पीसेस से बनाते हैं तो पाइपिंग के लिए कपड़ा बहुत कम बचता है, इसलिए मैं यहाँ पर जॉइंट लगाने के लिए भी बताऊँगा। और आज हम यूज़ करेंगे पीको मशीन का डोरी पाइपिंग बनाने के लिए। तो ये इस तरीके से आप काटेंगे पट्टियों को। उसके बाद देखते हैं पट्टियों को जॉइंट लगाने के लिए। तो ये 3 पीस हम काट लेते हैं, 3 पर्याप्त होंगे। तो ये जॉइंट कैसे लगेगा, यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा लाइट कलर की सिलाई से मैं बता रहा हूँ कि आप यहाँ पर जॉइंट कैसे लगाएंगे दूसरे कलर के धागे से, ताकि जॉइंट समझ में आए। ये इस प्रकार से तिरछा रख करके हम जॉइंट लगाते हैं। इसको और भी थोड़ा सा मैं डिटेल एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि किसी को कोई डाउट ना रहे। ये देखिए, यहाँ पर इसको हम इस तरह से रखेंगे, उसके बाद ये ऐसे रखना है, और यहाँ पर दोनों का जो कॉर्नर है उसको मिला करके, ये देखिए, ये इस तरह से, और ये दोनों कॉर्नर मिला करके हम यहाँ पर सिलाई लगाते हैं। तो ये जो जॉइंट है बिल्कुल सीधा आता है, और मोड़ने के बाद भी यहाँ पर जॉइंट टकराते नहीं हैं, इसलिए यहाँ पर कभी भी जॉइंट में पाइपिंग आपका मोटा नहीं होता है। तो ये एक विशेष ध्यान में रखने वाली बात है, आप लोग भी इस तरीके को अपनाएं, निश्चित रूप से आप लोगों के भी पाइपिंग में फिनिशिंग आएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर ये जो जॉइंट है, ये जॉइंट, इन्हें ओपन कर देना है ऐसे। तो ये जो जॉइंट है अब बिल्कुल भी मोटा नहीं होगा, आप इसको मोड़ेंगे भी तो ये जॉइंट जो है टकराएंगे नहीं, जिसकी वजह से पाइपिंग आपका हर जगह पर एक बराबर दिखेगा, ये ऐसे। तो अब चलते हैं पीको मशीन पे, और मैं आप लोगों को डिटेल एक्सप्लेन करता हूँ कि पीको मशीन से डोरी पाइपिंग कैसे बनेगा। तो फ्रेंड्स, ये है नॉर्मल पीको मशीन रैक्स कंपनी का, जो हम टेलर्स लोग यूज़ करते हैं। अब इस पीको मशीन से आप डोरी पाइपिंग कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे कि किस तरह से होगा। सबसे पहले देखिए, हम क्या करेंगे, ये जो कांटा है जो हम पीको करने के लिए सेट करते हैं, ये अभी 4 नंबर पर सेट है। एक बात का और ध्यान देंगे, 4 नंबर पर हम इंटरलॉक करते हैं और 3 नंबर पे पीको करते हैं, लेकिन डोरी पाइपिंग बनाने के लिए इसको सेट करेंगे 0 पे। मतलब इसको पूरा पूरा हमें यहाँ से, ये ढीला होता है, ये इस प्रकार से इसको ढीला करके पूरा 0 कर देना है। अब 0 करने से ये आपका नॉर्मल सिलाई मशीन की तरह चलेगा, लेकिन चूंकि यहाँ पर पीको फूट लगा हुआ है तो हम इसमें डोरी पाइपिंग आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से रख देंगे, जैसे हम सिलाई मशीन पर करते हैं सेम वैसे ही करना है, और उसके बाद यहाँ पर इसको फंसा लेना है अंदर बराबर डोरी पे रख करके ऐसे। और अब हम यहाँ पर लगाएंगे सिलाई। तो यहाँ पर देखिए, ये इस तरीके से हम इस सिलाई को आगे बढ़ाते हैं, पीछे से इसको हल्का सा शुरू में खींचना पड़ेगा कपड़े को, क्योंकि पीको मशीन में खींचते नहीं बनता है पीछे से। तो ये आप शुरू में थोड़ा सा खींच लेंगे, ये इस प्रकार से हम हल्का सा इसको खींचेंगे, फिर ये ऑटोमेटिक चलना स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद आपका पाइपिंग इसमें बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनेगा। किसी को ये पता भी नहीं चलेगा कि आपने सिलाई मशीन से बनाया या पीको मशीन से। अब थोड़ा सा मैं इसको और जूम करके दिखाने का प्रयास करूँगा किस तरह से ये पाइपिंग बन रहा है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, डोरी के बिल्कुल साइड से आपकी सिलाई चल रही है। थोड़ा सा मैं मशीन को भी स्लो करके दिखाऊँगा, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, नॉर्मल सिलाई मशीन से जब हम बनाते हैं तो उसमें हम फुट की सेटिंग करते हैं और प्लेजर को हल्का सा तिरछा करते हैं, लेकिन पीको मशीन में हमने क्या किया, सुई को सेट किए हैं। टांका जो 3-4 नंबर पे रहता है उसको हमने 0 पे किया,
तो ये मशीन बिल्कुल सीधा सीधा चलना स्टार्ट हो गया है। और इस तरीके से आप डोरी को पूरा इसमें फंसा लेंगे। तो जिन लोगों को फूड प्लेजर की सेटिंग करने में परेशानी हो रही थी, वो लोग इस तरीके को अपना करके डोरी पाइपिंग को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। बस इस डोरी को ही फंसा लेंगे, उसके बाद बाकी जो काम है हम सिलाई मशीन से कर सकते हैं। और इस तरीके की पाइपिंग बना करके आप रख भी सकते हैं, जिन कलर का आपको ज़्यादा यूज़ होता है, जिसकी ज़्यादा डिमांड है, वो आप पहले से इस प्रकार से बना करके पीको मशीन से रख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही यूनिक तरीका है, आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं। मैंने सोचा कि ये नॉलेज भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, ताकि आप लोगों को जो प्रॉब्लम हो रही है, जिन जिन लोगों के पास पीको मशीन है, वो लोग इस प्रॉब्लम से इस तरीके से निपट सकते हैं। अब देखिए, अब हमारा जो बाकी काम है वो हम नॉर्मल सिलाई मशीन से करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं नॉर्मल सिलाई मशीन पे और इस पाइपिंग को फिट करते हैं। तो ये जो पाइपिंग है हमने बनाया, आप लोगों ने अभी देखा किस तरीके से हमने इसको सेट किया। उसके बाद मैं दूसरे किनारे को मोड़ने के लिए बताया था, तो यहाँ पर अभी मोड़ेंगे नहीं इसको। चाहें तो मोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिना मोड़े भी इसको बनाते हैं, तो वो तरीका भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये है बैक साइड का पार्ट, इसमें हमें फ़िट करना है। ये मैंने कटिंग कर दिया है पीछे का शेप, मटके गले के शेप में। तो इसमें पाइपिंग लगाते हैं, बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन लगेगा। फिर माफ़ कीजिएगा, गला यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत लगेगा, डिज़ाइन तो नहीं है ये। तो देखिए अभी हम यहाँ पर इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से, कपड़ा सीधा रखना है और पाइपिंग भी सीधा रखना है। ये मेन कंफ्यूजन है डोरी पाइपिंग के लिए, कि पाइपिंग को उल्टा रखना है कि सीधा रखना है। तो पाइपिंग को भी सीधा रखना है और कपड़े को भी सीधा रखना है, उसके बाद पाइपिंग अंदर की तरफ पलट जाएगा। तो ये इस तरीके से आपको करना है। और ये तरीका मैंने क्यों बताया, क्योंकि डोरी पाइपिंग लगाने में बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है, और डोरी पाइपिंग आज के डेट में बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है। डोरी पाइपिंग के बिना आप डिज़ाइन नहीं कर सकते, तो इसलिए डोरी पाइपिंग सभी को सीखना ज़रूरी है। जब तक आप बेसिक नहीं सीखेंगे तब तक आप डिज़ाइनिंग पर नहीं आ सकते। इसलिए पाइपिंग को अच्छे से अच्छा बनाना सीखिए, तभी आप लोग डिज़ाइन कर पाएंगे। तो ये जो है हम इस तरीके से पूरा इसमें कर लेते हैं फिट। और फिट करने के लिए मैंने बता ही दिया, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं पलटाने के लिए थोड़ा सा। ये हो गया फिट, एक्स्ट्रा पाइपिंग को कट कर देंगे। उसके बाद देखिए ये पाइपिंग इस तरीके से बनेगा, पूरी फिनिशिंग के साथ, कहीं पर भी पतला या मोटा ऐसा नहीं होगा, एक बराबर फिनिशिंग के साथ बनेगा। हमने इसको पीको मशीन से बनाया, आप लोगों ने देखा। तो ये पीको मशीन वाला भी बहुत ही फिनिशिंग से बनता है, कहीं पर भी शिकायत नहीं आएगी आप लोगों को। उसके बाद अंदर की तरफ से ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, इसको दो बार मोड़ेंगे ये ऐसे, और जितना बारीक से बारीक हो सके इसको मोड़े। और एक सिलाई यहाँ पर बिल्कुल फिनिशिंग के साथ चलानी है। और मैंने पहले मोड़ने के लिए क्यों बताया है, क्योंकि मोड़ते मोड़ते यहाँ पर फिनिशिंग से सिलाई चलाना बहुत से लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए पहले से इसको मोड़ दिए रहते हैं। तो हमारा काम केवल सिलाई चलाने का होता है, लेकिन इसको मोड़ते हुए जब हम सिलाई चलाते हैं तो सभी से ये सिलाई फिनिशिंग के साथ नहीं चल पाता। तो ये इस तरीके से लगाएंगे आप डोरी पाइपिंग, अंदर भी पूरी फिनिशिंग हो और बाहर भी पाइपिंग अच्छा से दिखे। तो ये देखिए अंदर इसमें पूरी फिनिशिंग है, अब बाहर देखते हैं पाइपिंग को। तो ये इस तरीके का पाइपिंग हम यहाँ पर लगाएं। टोटल बिगिनर्स को टारगेट करते हुए समझा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए हल्का सा उठा उठा टाइप से दिख रहा है जो गोलाई है वहाँ पर, और ये बहुत से लोगों के साथ प्रॉब्लम आती है। तो इसको कैसे ठीक करें, तो इसके लिए यहाँ पर आप लोग देखिए ये जो रस्सी है इसको आप खींच लेंगे, उतना ही खींचे जितनी आवश्यकता है। आप इसको खींचेंगे तो ये ऑटोमेटिक इधर बैठ जाएगा, डोरी को खींचते ही
देखिए एक साइड का ये पूरा बैठ गया है। अब आते हैं दूसरी साइड, यहाँ पे भी हल्का सा उठा हुआ दिख रहा है, तो इसको भी हम खींच लेते हैं ये ऐसे। उसके बाद ये जो पाइपिंग है आपका पूरा फिनिशिंग के साथ लग गया है, ये देखिए। तो ये पीको मशीन से आप भी डोरी पाइपिंग बनाएंगे फ्रेंड्स, तो इसमें एक चीज़ का फ़ायदा है कि आप मोटे रस्सी से भी डोरी पाइपिंग बना सकते हैं। सिलाई मशीन से ज़्यादा मोटे रस्सी से बनाने में प्रॉब्लम आती है, तो पीको मशीन से आप जितना चाहें उतना मोटे रस्सी से भी पाइपिंग को बना सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग मोटा पाइपिंग ही पसंद करते हैं और यहाँ पर मैंने मोटे रस्सी से ही पाइपिंग को बताया है। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी मोटा रस्सी है और पाइपिंग भी अच्छा मोटा निकल करके आया है। तो सभी लोग पतले पाइपिंग को पसंद नहीं करते, तो जो लोग मोटा पाइपिंग लगाना चाहते हैं उनके लिए ये तरीका बेस्ट है। आप लोग बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ये तरीका कैसा लगा, कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही हमारे नए चैनल आरडी बुटीक को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।